ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कौन कौन जाने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करो। सब जाने के लिए तैयार है? तैयार किसको कहेंगे? तैयार मतलब जो अशरीर स्थिति में रहते हैं, विदेह स्थिति में रहते हैं, जिन्होंने ज्ञान योग भरपूर किया, वो तैयार है। कई तो इसीलिए हाथ खड़ा किया, दुनिया में भी कहते हैं, हे भगवान उठा लो, बहुत तंग आए, बच्चों से तंग आए, पड़ोसनी से तंग आए, इसीलिए कहते हैं भगवान उठा लो। तो क्या उसको तैयार थोड़ी कहेंगे? तैयार उसको कहेंगे जिसकी स्थिति अच्छी है। क्या मैं सतयुग में जाने के लायक हूं? अभी मेरा का मन में बुद्धि मेरी ठीक नहीं है, किसी के दोष दिखते हैं, सतयुग में भी ऐसे करेंगे। इसलिए अब पर चिंतन से बचे रहो। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? अच्छा और क्या हुआ? जब शीर हिलाने के तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए कोई भी निगेटिव बातें सुनाता है, शीर हिलाऊ ही नहीं। बाबा कहते जीते जी मर जाओ, आप लोग मरे जिंदे, मरे हुए, मरे होगा थोड़ी शीर हिलता। अच्छा और क्या हुआ? अगर अच्छा और क्या हुआ बोल रहे हैं, इसका मतलब जिंदे हैं। इसीलिए मर जाओ। अशरीरी बनना अर्थात मरना। किसी के भी कोई सुना रहे हैं, मेरी बहू ऐसा है, बेटा ऐसा, ऊपर मुझे याद है, मैं गुलजार दादी के साथ भी 10 साल रहा हूं दिल्ली में। तो गुलजार दादी वैसे तो झोनल इंचार्ज भी है, बाबा भी आता है और साथ में झोन का भी सेवा करते हैं। तो कभी कभी दादी के पास बहुत सारी बहनें आती थी मिलने के लिए गुलजार दादी को, क्योंकि दादी मेरे को पहले बोलती थी, ये भाई देखो 10-12 बहनें आने वाले हैं, तुम उसका नाश्ता भी बनाना, ऐसी बोलती थी। तो जब बहनें दादी को मिल करके नाश्ता करने के लिए आती थी, मैं पूछता था आप दादी से मिले? कहते दादी तो बात ही नहीं करती। मैंने हमने कहा ऐसे के थोड़ी होते, दादी तो बात करती है। मैंने कहा आपने कोई किसी की कंप्लेन तो नहीं कर रहे थे? हाँ, मेरे हमारे पास एक छोटी बहन है ना, उसकी कुछ बातें सुनाने वाली थी, इसीलिए जब सुनाना शुरू किया दादी तो चुप हो गई। मैंने कहा वो छोटी बहन को आपने विशेषता नहीं सुनाई? दादी 2 बजे उठती है, सारा घर का पोछा लगाती है, सारा खाना बनाती है, वो नहीं सुनाया? कमजोरी सुनाने, दादी किसी की जब कमजोरी सुनाती थी वो सुनती नहीं थी, वो ऊपर चली जाती थी, क्योंकि बाबा का रथ है ना, व्यर्थ बातें थोड़ी सुनेगी। लेकिन हमें कोई सुनाता है व्यर्थ बातें, अच्छा अच्छा और क्या, बड़ा इंटरेस्ट है, अगर उठ के भी जा रहे हैं और बताओ ना, थोड़े बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। इसलिए ये परचिंतन की बातें नहीं सुनना। जो परचिंतन की बातें सुनता है, किसी की निगेटिव बातें सुनता है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता।